फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस में आप लिखेंगे कैपिटल आर ऐसे, कैपिटल आर, ये क्या हो गया? जब हम पेरेंटल क्रॉस की बात करते हैं तो जो राउंडनेस वाला जो शेप, राउंडनेस वाली जो करेक्टरिस्टिक है उसका हम सिर्फ डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग वाला ही लेंगे। जैसे याद करिए, जब हम हाइट वाला बात कर रहे थे तो हाइट वाले में हमने क्या लिया था? कैपिटल टी लिया था। तो शुरुआत में यहाँ पर भी कैपिटल आर लेंगे, लेकिन क्या है कि करेक्टरिस्टिक दूसरी भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं, उसके कलर की भी। तो कलर में आप क्या करेंगे कि कैपिटल वाई और कैपिटल वाई को साथ साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, तो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स में क्या है कि जब उसकी शेप की बात होगी तो दोनों रिसेसिव वाले लेकर चलेंगे। रिंकल्ड के लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल आर स्मॉल, और ग्रीन वाले के लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए दोनों करेक्टरिस्टिक्स को, अब अगर मान लीजिए दोनों करेक्टरिस्टिक्स को साथ साथ लेकर चलना है तो क्या हो सकता है? इस वाले आर का इसके साथ या इसके साथ किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन कराएं, आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल आर वाई। ऐसे ही इस वाले आर का इन दोनों में से किसी भी वाई के साथ कॉम्बिनेशन कराएं, आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल आर वाई। ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही इस स्मॉल आर का इन दोनों में से किसी के भी साथ कॉम्बिनेशन कराएं तो क्या आएगा? स्मॉल आर वाई। इस वाले स्मॉल आर का इन दोनों में से किसी के भी साथ कराएं तो भी आएगा स्मॉल आर वाई, ठीक है। ये तो कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस, और ये जो नीचे बना है इसको कहेंगे गैमीट्स। ये गैमीट्स हमारे पास ये रहेंगे, ये बनेंगे गैमीट्स। इसके बाद फिर है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब फ्यूजन होगा गैमीट्स का, वो किस तरह से होगा वो देखेंगे। अब हम गैमीट्स का फ्यूजन करवा रहे हैं। फ्यूजन कैसे होगा? फ्यूजन इस तरीके से होगा कि पहला वाला तीसरे वाले के साथ कंबाइन कर जाएगा, पहला वाला तीसरे वाले के साथ कंबाइन कर रहा है, या फिर पहला वाला चौथे वाले के साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वाला तीसरे वाले के साथ कंबाइन कर जाएगा ऐसे, या फिर दूसरा वाला चौथे वाले के साथ कंबाइन कर सकता है। तो जब पहले का और चौथे का, ये एक तरह से इस तरीके से हो गया, जैसे आप समझिए, जैसे आप मैथ्स में देखते हैं ना कि आपके पास दो फैक्टर्स हैं, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये दो फैक्टर्स हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? पहले वाले का तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है तो ए सी आ जाता है, फिर पहले वाले का चौथे वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है तो ए डी आ जाता है। ऐसे ही दूसरे का तीसरे के साथ हो जाता है तो बी सी, दूसरे का चौथे के साथ हो जाता है तो बी डी, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि पहले वाले का तीसरे वाले के साथ, तो देखिए पहला और तीसरा ये दोनों में से एक एक एरो आ गया, फिर पहले वाले का चौथे वाले के साथ, तो पहले वाले का एक एरो ये हुआ, चौथे वाले का एक एरो ये हुआ, फिर दूसरे का नमस्ते दूसरे का तीसरे के साथ में, तो दूसरे से एक एरो निकला, तीसरे से एक एरो निकला, फिर दूसरे का चौथे के साथ, तो दूसरे में से एक एरो निकला और चौथे में से एक एरो निकला, ठीक है। तो पहला तीसरा, पहला चौथा, फिर दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, ऐसे आपने कंबाइन करा दिया। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। अलग अलग तरीके के जो कॉम्बिनेशन पैटर्न्स हैं उन्हीं को हम बोल देंगे फ्यूजन। तो फ्यूजन होगा गैमीट्स का इस तरह से। तो जब फ्यूजन होगा तो हमारे पास जीनोटाइप क्या बनेगा वो देखिएगा। यहां लिखेंगे F1 जनरेशन, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। F1